मैंने कहा जो राजीव ठाकुर ले रहा है उसे 10 लाख ज्यादा दे देना। तो कहते हैं ठीक है फिर आप 10 लाख ले लो क्योंकि वो तो फ्री में आ रहा है। हंसने वाली क्या बात है यार। राजीव ठाकुर वी लव यू, वी लव यू, वी लव यू। अनुराग एक बात बताओ, इतने बड़े बड़े पूरा मीडिया आया हुआ है मुंबई का यहाँ पे, रातों रात किसी को भी स्टार बना सकता है ये। जी जी बिल्कुल। मैं पैसे मांग लूं ये मेरे को मना कर दें, मेरा तो काम खराब हो जाता। क्या कहा भाई, इतने मीडिया के सामने मैं पैसे कैसे मांग सकता हूँ, मेरा काम खराब हो जाता। काम खराब हो जाता बेटा, काम खराब उसका होता है जिसके पास काम होता है। इसको देखा है आप लोगों ने हमारे शो पे उर्वशी, यू हैव सीन हिम ना, ये कपिल से काम मांगने आता है वहां पे। तो बीच बीच में उर्वशी मेरे कॉलेज का दोस्त है वो, बचपन का। सर आप बताइए, बचपन के दोस्त से आदमी कच्चा मांग लेता है तो काम मांगने में क्या प्रॉब्लम है, मांग सकते हैं ना। शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए जो मेरे दोस्त से काम मांग के हिट हो रहे हैं। सही है, बकवास नहीं करना, मीडिया है आज यहां। मैं आपको बताता हूं सर, इसको मांगने का इतना शौक है ना, ये तो पैदा भी गोविंदा के खानदान में इसलिए हुआ, बड़ा होकर फिल्मों में काम मांग सके। कश्मीरा से इसने शादी इसलिए की प्रोड्यूसरों से काम मांग सके। बाबा रे बाबा, हमारे पंजाबी सुदेश लहरी के साथ जोड़ी इसलिए बनाई ताकि कपिल से काम मांग सके, और अब तो जुड़वा बच्चे पैदा किए हैं ताकि उनका मुंह दिखा के काम मांग सके। बकवास नहीं करना, अगर कश्मीरा ने सुन लिया ना। क्या सुन लिया बे, जो घर में तेरी नहीं सुनती मेरी क्यों सुनेगी। क्यों सुनेगी। राजीव ठाकुर जिंदाबाद, कमाल। ये बात इसने सही बोली है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में कश्मीर का मसला सॉल्व हो सकता है, कश्मीरा का कभी भी नहीं हो सकता। वैसे ठाकुर यार, हम एक दूसरे की इतनी बेइज्जती क्यों किए जा रहे हैं, उनकी फिल्म आ रही है द लेजेंड, उसकी कोई अच्छी अच्छी बात करो यार, कोई अच्छी बात करो, इतनी मीडिया आज यहां पर आई है मुंबई। अगर अच्छी बातें करनी होती तो वो आलोकनाथ को बुला लेते। अच्छा है, हमें क्यों बुलाएंगे। नहीं नहीं, मैं तो अच्छी बात करूंगा। ये लेजेंड सर, ये तो हम लोग ऐसी मस्ती करते रहते हैं एक दूसरे पे पंचेस, बट ये लोग जो हैं ये सब दे ऑल आर फ्रॉम अमृतसर, अंबरसरिया बोलते हैं, जो अमृतसर से है ना उनको अंबरसरिया बोलते हैं। कपिल, भारती, सुदेश जी माय पार्टनर एक टाइम पे थे, एंड राजीव ठाकुर, क्या बात है यार, पिछले 15 सालों से ये क्या एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं टेलीविजन पे, इनके लिए जोरदार ताली यार। थैंक यू। ये सब लेजेंड्स हो चुके हैं यार। थैंक यू। मैं एक चीज़ कहूँगा फॉर हिम सर, आप क्योंकि आप मुझे जानते हैं, इसको इतना नहीं जानते, इतना नहीं देखा है आपने, तो मेरी अच्छी बात कर रहा है। नहीं, अच्छी, मैं तेरे बारे में बता रहा हूँ यार, अच्छी बात ही कर रहा हूँ सर। दिस गाय, वो कहते हैं ना यू आर अ बिजनेसमैन, आपकी इतनी बड़ी कंपनी है, कि कहाँ छोटे से शुरुआत की। मुझे याद है कई साल पहले ये अमृतसर से आया था भाई, 500 रुपया, 500 रुपीज़ इन हिज पॉकेट, और आज ऊपर वाले की दया से 20 से 25 करोड़ रुपए का कर्जा है इसके ऊपर। कृष्णा मुझे एक बात बता, तू इतना कर्जा लेके सोता कैसे है। भाई मुझे तो बहुत अच्छी नींद आती है, क्योंकि मैंने कौन सा वापस देना है। नींद उनकी जाए जिन्होंने मुझसे लेना है। ओए शायरी हो गई। क्या बात है, तू शायरी भी घटिया मारता है यार। अगर गालिब साहब जिंदा होते ना, ये किताब में से निकल के चमाट मारते तेरे को। चमाट ठीक है, असली बात बता, हम सब एक ही शो में काम करते, पैसे सबके पास ठीक ठाक आ चुके। नहीं नहीं, इसके बारे में तो सच बताता हूँ सर, मैं इतने पैसे आ गए, दे हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, सो मेनी एपिसोड्स वी बीन डूइंग, सो मेनी शोज इतने सालों से, बट क्लास अभी भी नहीं आया। कोई क्लास नहीं उर्वशी। आई रिमेंबर दिस गाय, फर्स्ट टाइम फ्लाइट में मेरे साथ बैठा था, तो मैंने क्या किया सर, इसको ऐसे विंडो सीट दे दी। मैंने बोला सर विंडो सीट पे तो बैठ जा, तो ऐसे ऊपर से नीचे देख के बोलता है, यार सही कहा किसी ने, ये ऊपर से नीचे देखो ना सब चींटियों जैसे नजर आते हैं। मैंने इसको थप्पड़ मारा, मैंने कहा प्लेन अभी उड़ा नहीं है, वो चींटियां आई है। ये हाल है सर, कोई क्लास नहीं, एयर होस्टेस आई, बोले सर आप क्या लेंगे, बोलते बस नीचे उतर के ऑटो लेंगे और क्या लेंगे। सब हर आदमी के पास कार थोड़ी होती है, नीचे उतर के ऑटो ही लेता आदमी। नहीं नहीं, ये तो सब पुरानी बातें हो गई, पुरानी बातें। आज की मैं बात बताता हूँ, इतने बढ़िया होटल में ये फंक्शन है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर आए अंदर, सर ये आके भड़क गया, बोलता कृष्णा ऐसे नहीं चलेगा, मैं भी स्टार हूँ, इतना छोटा सा रूम, इतने छोटे से कमरे में मैं नहीं रुकूंगा। मैंने कहा ये लिफ्ट है, तेरे को भी ऊपर लेके जाएंगे, स्वीट रूम दिया है लेजेंड सर ने। और स्वीट रूम में भी गया तो वहां पर रो रहा है, दीवारें चाट रहा है और बोलता है मेरे साथ धोखा हुआ है। ये तो कैसे स्वीट रूम है, दीवारें तो सारी फीकी हैं यहाँ पे। ये हाल है सब अंबरसरिये लोगों का। यार भोले लोग हैं हम, तेरी तरह चलाक नहीं है। मैं चलाक हूं तो और क्या, इसकी शक्ल में मत जाइएगा, इतनी भोली सी शक्ल है सर इसकी, जितनी भोली शक्ल है अंदर से शक्ति कपूर है ये। मैं सच में बता रहा हूँ, कहीं सड़क पे दुपट्टा मिल जाए नीचे खुदाई शुरू कर देता, कहता दुपट्टा मिला नीचे लड़की भी मिलेगी। मैं बता रहा हूं, आप किसी भी भीड़ वाली जगह पे चले जाइए जहां जूते उतार के लोग अंदर जाते हैं, ये जाए वहां चप्पल देख के लड़की का नाम बता देता ये। अरे बाप, इतनी खाई है इसने शायद।
मैं सच बता रहा हूँ, हम ठहरे भोले वाले लोग, जब मैं पहले नया नया आया ना मुंबई, तो वही ना मुंबईया कहता मेरा 5 करोड़ का फ्लैट है। मैंने कहा अच्छा, मुझे लगा अंदर स्विमिंग पूल होगा। मैं गया, कहता खत्म हो गया। मैंने कहा खत्म हो गया तो 5 करोड़ लगाए कहाँ पे? मेरा हाथ पकड़े बाथरूम में ले गया, कहता इधर देख 70 लाख रुपए लगाए मैंने बाथरूम में। तो मैंने कहा तूने इधर बैठ के परांठे खाने फिर डालना तो गांधी है, किस बात के 70 लाख लगाए? कहता इधर पानी आता है ऑटोमेटिक, साबुन आता है ऑटोमेटिक, कागज आता है ऑटोमेटिक। मैं कहा कृष्णा जोर भी लगाना कि वो भी ऑटोमेटिक। तू ना अपने मुंह के हिसाब से यहाँ 25 बोल रहा है, घटिया बातें कर रहा है। टॉयलेट वॉयलेट की क्या बात कर रहा है? तुम्हें पता हम यहाँ पर माउथ इंडियन फिल्मों की बात करने आए हैं। माउथ इंडियन नहीं, साउथ इंडियन फिल्म है। तो बेटा जाके हर पोस्टर देख, हर पोस्टर पे आजकल साउथ का माउथ ही चल रहा है। क्या बात है, ये बात तो है। और जोरदार तालियां आ रही है सर। बाहुबली, बाहुबली 1, 2, फिर आती है KGF, KGF 1, 2, ऊपर से पुष्पा राज और अब द लेजेंड। द लेजेंड के लिए एक बार जोरदार तालियां। क्या बात है, क्योंकि हम लोग कंटेंट बनाते हैं, जब भी किसी शो पर जाते हैं तो हमने प्रोमोज देखे, जेन्युइनली फैंटास्टिक। उर्वशी और आप तो वैसे भी, आपके जितने गाने देखो, फिल्में देखो, आप लोग बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन लेजेंड सर फैंटास्टिक। आपकी जो वॉक है ना, मैं तो उसका दीवाना हो गया हूँ सर। मैंने तो 20 बार आपकी वॉक ही देख रहा था। आप मुझे लगता है रजनी सर से इंस्पायर्ड हैं। और अगर आपकी पहली फिल्म है, और पहली फिल्म में अगर आपको, अगर मैं कंपेयर करूं रजनी सर से, आई थिंक इट्स वंडरफुल। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इट्स ग्रेट, बट एज अ बिजनेसमैन यू हैव बीन सो सक्सेसफुल, एंड माय विशेस, आवर विशेस टू यू, कि भगवान करे आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट हो। जिस तरह आपका बिजनेस है, पता है, तो अच्छे से बात कर, बहुत बड़े आदमी है, पता है? हां, बहुत बड़े आदमी है। अभी हमारा पैसा खत्म होता है, हम लोग कहां जाते हैं? एटीएम। जब एटीएम का पैसा खत्म होता है, पता है वो कहां जाता है? कहां? इनके पास। बोलता साहब खाली हो गए, कुछ तो भर दीजिए ये। अच्छा फिर तो मुझे लगता है सर के घर में ना लंगड़ा आम भी व्हीलचेयर पे आता होगा। इतने अमीर आदमी है, तुम्हें पता है इन्होंने तो 40-50 लोग ऐसे रखे हुए हैं। वो तो रखेंगे बड़े आदमी, 40-50 आदमी नहीं का? नहीं, बड़ी बात ये है कि उनका हर महीने थूक रिचार्ज करवाते हैं। क्या थूक रिचार्ज? हाँ, वो क्यों भाई? नोट गिन गिन के उनका थूक खत्म हो जाता ना। खैर ये फालतू पंचेस मारता रहेगा। राय लक्ष्मी के लिए एक बार जोरदार तालियां। सो प्रिटी यार, क्या बात है, राय लक्ष्मी बहुत खूबसूरत लगती हैं। मैं तो आपको जब देखता हूं तो मतलब देखता ही रह जाता हूं यार, क्या पर्सनालिटी। मैंने बताया आपको हाइट भी क्या है यार, मतलब इतनी लंबी। हाँ हाँ, ये लंबे होने का बड़ा फायदा होता है। लंबी, एक बार खड़े होकर दिखाओ उनको, बोलो एक बार खड़े हुई ना, प्लीज। इतनी लंबी हाइट, ये देखो, माय गॉड, मेरे से तो हो ना यार। लंबी हीरोइनों को एक फायदा होता है, इनका बुखार कभी सर पे नहीं चढ़ता, पता है? हाँ, पेट के नीचे ही चला जाता है। बोले इतना ऊपर कौन चढ़ेगा यार। थैंक यू। मैं बताना चाहूंगा सर, अगर फिल्म में कभी इनका शॉट नहीं चल रहा था ना, तो इनको हाथ में कैमरा देके जिम्मी जिम भी यूज कर सकते थे। लेकिन सच में कितना खूबसूरत नाम है ना, राय लक्ष्मी, इतना रॉयल नाम। दो दो नाम आप कैसे अफोर्ड कर लेते हैं? हमसे तो एक नहीं हो रहा अपना, इतना अमीरी वाला नाम रखा। मतलब ऐसा लगता है किसी की राय के साथ अगर लक्ष्मी मिल जाए। ओह सही बात, लक्ष्मी। और लक्ष्मी के तो सभी फैन हैं। हाँ? मैं तो इतना बड़ा फैन हूं, मैंने खुद शादी कैश से की है। हमको चेक नहीं चलता, कैश ही चलता है। कैश ही चलता है। और हमारे उर्वशी रौतेला के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है उर्वशी यार, क्या लगती हैं यार उर्वशी। उर्वशी मैं सच्ची बात बताऊं, मैंने जब आपकी पहली फिल्म देखी ना, तो मुझे लगा यही लड़की चाहिए लाइफ में। अच्छा। हाँ, तो मेरे को सोचा ऐसा? हाँ हाँ, तो सोच नहीं सकता। भाई सोचने के थोड़ी पैसे लगते हैं। सही बात है ना। तो मैंने सोचा, तो उधर ना मेरे ससुर आ गए रिश्ता लेके, कहते लड़की देखने की जरूरत ही नहीं है, उर्वशी जैसी लगती है। मैं मान गया फटाक से, घूंघट उठाया जो मैं रोया उस दिन। मैं सीधा गया वापस, मैंने ससुर को हाथ से पकड़ा, बॉम्बे लेके आया, आपकी फिल्म दिखाई। मैं ये होती उर्वशी रौतेला, मेरे ससुर सौतेला, ये होती है। उन्होंने मेरे साथ पता क्या किया, वो वाली बात की, कैटरीना कैफ दिखा के मोहम्मद कैफ चिपका दिया मेरे को। लेकिन है, क्या खूबसूरत है ये, है ना? तू ऐसी फालतू पंचेज मारेगा, कोई अच्छी बात करना फिल्म के बारे अच्छी में। अच्छी बात तू ऐसे करेगा तो मैं परफॉर्म नहीं करूंगा भाई तेरे साथ में। क्यों नहीं? सही बता रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। किधर जा रहा है? मैं जा रहा हूँ। एक मिनट सुन 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 सुन, देख अब तीनों चेहरे इतने खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ, तू लाइन तो नहीं मार रहा उन पे? नहीं बता। मसलो मसलो आयरन बिल रेला, बिसलो बिसलो सिलित किच सेवला, बिसलो बिसलो सकर पोट अवला। ये कौन है इतना बड़ा फाटक?
अरे नमस्कार भैया, कैसा है आप लोग? बहुत अच्छे। मजे में। जीवन कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। लेजेंड जी नमस्कार। उर्वशी जी, हाय हाय हाय, राय लक्ष्मो, कितने प्यारे लग रहे हैं आप सभी। ये देखिए, ये होता है यार, यहाँ पर कलाकार हैं, पत्रकार हैं, सूत्रधार हैं, यहाँ दो लोग बेकार हैं और ये आदमी दमदार है। ये दमदार नहीं बेटा, तुम चार टायर लगा लो और स्टेयरिंग लगा लो ना तो तुम मोटर कार है, समझा? हम मोटे नहीं है यार, हमने कल अपना एक्सरे करवाया, बिलीव मी आई एम ए स्केलेटन फ्रॉम इनसाइड, इट्स नॉट फैट। ना ना, फैट नहीं है। ये जुहू में जाते हैं ना जब, तो वेल मछली बाहर आ जाती है, कहती बहन तू पानी के बाहर कैसे सांस ले लेती हो। यार आप दोनों से एक बात कहना हम भूल गए, आप दोनों वो बंद क्यों नहीं करते? क्या अपना मुंह? अरे यार इतने बड़े लोग हैं यहाँ पर। अरे यहाँ पर प्रमोशन चल रहा है बाबा, उनकी फिल्म का क्या बकवास से घुसे जा रहे हो बीच में? अरे हम भी तो प्रमोशन के लिए आए हैं। आई लव साउथ इंडियन फिल्म्स। अच्छा, रियली आई एम अ ह्यूज फैन। ओके सर, हम आपको सच बताएं, चार साउथ इंडियन फिल्म लगातार एक दिन में देख लीजिए, शाम तक एक उंगली से ट्रेन को रोकने का दिल करता है। सही है, है सही, दिल सही करता है, रुकती नहीं है वो अलग बात है, लेकिन दिल तो करता है। बिल्कुल। लेकिन सर आई सॉ द प्रोमो द ट्रेलर, आ हा हा हा, जोरदार तालियां हो जाए यार, सर मजा ही आ गया। द एक्शन, हाउ डू यू डू दैट, ऑल द फाइटिंग एंड ऑल, अरे सर क्या एक्शन करते हैं। लेकिन एक हमारा सलाह है कि सर हमारा एक्सपीरियंस है इसके लिए बता रहा है, ये वाला जो एक्शन है ना, कभी भी चना या राजमा खा के नहीं करना चाहिए। क्यों? क्यों? कि उसके बाद फिर साउंड सिंक नहीं होता है, कि लड़ाई आगे हो रही है, आवाज पीछे से आ रही है, इट्स डिस्टर्बिंग, यू नो व्हाट आई मीन। देखिए फास्ट एंड द फ्यूरियस पिक्चर चल जाती है, फास्ट एंड द फ्यूरियस अच्छी नहीं लगेगी। ए, क्या बातें कर रहे हो, इतनी बड़ी फिल्म की प्रमोशन चल रही है, तुम क्या फाट वाट की बातें कर रहे हो यहाँ पे, जाओ यार तुम यार। अरे ऐसे कैसे चले जाए यार, आए हैं देखे यहाँ पे उर्वशी जी भी हैं, राय लक्ष्मी जी भी हैं। हम कह रहे थे, आई एम जस्ट सेइंग, इफ यू वांट, अगर लेजेंड जी की परमिशन हो, इफ यू वांट बोथ ऑफ यू ऑल, आप दोनों में से जो भी हमसे शादी करना चाहे हम कर लेंगे, आई डोंट माइंड। अच्छा मतलब आप उनको ऑप्शन दे रहे हैं, उनमें से जो चाहे वो आपसे शादी कर लें, तो कर लीजिए ना। क्या शर्म कर सकते हैं आप? क्यों, आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं। नहीं नहीं, वो तो अंधेरी में हम शादीशुदा हैं। ये जुहू है, यहाँ पे वो रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। और शादी भी क्या हुई है हमारी सर, हमारी जिससे शादी हुई है मजा नहीं आया। क्या मजा नहीं आया? हम किसी को नहीं आया, किसी को नहीं आया। अच्छा शादी के बाद नहीं आता? बिल्कुल नहीं आता। नहीं, लेकिन हमारी बीवी बहुत वियर्ड है सर। अच्छा? सच में मजाक नहीं कर रहा, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड। हमारी पहली रात सुहाग रात पे वो ग्लास में दूध लेकर आई, हम भी रोमांटिक मूड में थे, हमने कहा कि यार 50-50 करते हैं, तो पता है हमसे क्या कहती है? कहती है ठीक है दूध तुम पी लो, मैं ग्लास खा लेती हूं। क्या? या आई, यही रिएक्शन था हमारा। हमारी बीवी बहुत अजीब है, सच बता रहे हैं। कुछ दिन पहले हमारे पास आई और कहती है कि मैं जरा बाजार जा रही हूं 10 मिनट के लिए, तुम्हें कुछ चाहिए? हमने कहा नहीं, तुम जा रही हो यही हमारे लिए बहुत है। फिर हम पे भड़क गई यार, हमसे कहती है आप यकीन नहीं करेंगे, शी टेल्स मी मैं तुम्हें 7 दिन दिखाई नहीं दूंगी, तुम्हें कैसा लगेगा? हमने कहा माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, बहुत मजा आएगा। फिर यकीन मानिए, मंडे को वो हमको नहीं दिखाई दी, ट्यूसडे को वो हमको नहीं दिखाई दी, फिर वेडनेसडे को जब हमारी आंख की सूजन थोड़ी सी कम हुई। अब समझ रहे ना हमारे साथ क्या हुआ? समझ गए, समझ रहे ना, आंख की सूजन कम हुई, बॉडी की नहीं हुई अभी तक, चलो मेंटेन करते हैं हम। फिर अपनी बीवी को डॉक्टर के पास लेकर गए हम, डॉक्टर उल्टा हमको सुना रहा है, कह रहा है यार तुम्हारी बीवी को ना घुमाने फिराने की जरूरत है, इसे लंदन ले जाओ, स्विट्जरलैंड ले जाओ, पेरिस ले जाओ। फिर डॉक्टर ने हमसे पूछा बताओ अपनी बीवी को कहाँ ले जा रहे हो? हमने कहा डॉक्टर साहब हम अपनी बीवी को दूसरे डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। ये घुमाने वाली आइटम नहीं है। हम पे भड़क गई सच में, मायके चली गई अपने। हमने मायके में रोज फोन किया, एवरी सिंगल डे हमने फोन किया, फाइनली हमारी सास ने हमको ही डांट दिया। कहती है तुमको शर्म नहीं आती, रोज फोन करते हो, कह दिया ना एक बार तुम्हारी बीवी कभी वापस नहीं आएगी। हमने कहा यही तो सुनने के लिए फोन करते हैं। वंस मोर, अरे वेज, लेकिन ऑफर ओपन है शादी करना चाहे हमसे तो। यार इसको भगाओ ना यार, क्या यार, एक बात मान लेते चलो, कभी गलती से प्यार में अंधी हो जाए, उन्हें दिखाई ना दे, और दुनिया में ये दुनिया में सबसे आखिरी आदमी है वो शादी को मान जाए, तो क्या करोगे उनके लिए?
हम क्या करेंगे उनके लिए? हाँ, सवाल गलत है। क्यों? सवाल यह नहीं है कि हम क्या करेंगे उनके लिए, सवाल है वो क्या करेंगे हमारे लिए। क्यों? अरे 65 फिल्में किया इन्होंने। शी विल बी द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। अच्छा, एंड यू विल बी द ईटिंग मेंबर ऑफ द फैमिली। आई डोंट माइंड, इट्स अ मॉडर्न वर्ल्ड। हम मर्द और औरत में फर्क नहीं करते हैं। देखिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो पैसे कमाए या वो पैसे कमाए। अच्छा, मतलब आप सिर्फ खाएं। या आई लाइक इट, आई एंजॉय। कौन हो तुम जो ऐसा वो करें? हु आर यू? देखिए, अभी तो हम कुछ है नहीं। हाँ? लेकिन जिस तरह सर फिल्म में साइंटिस्ट हैं, हमारा भी इरादा है कि हम भी साइंटिस्ट बनेंगे। अच्छा, और हम खोज करेंगे फिर। खोजे करोगे? हाँ हाँ, ये खोजे करेगा। इसको सुबह उठ के इसका खुद का कच्चा नहीं मिलता, इसकी बीबी खोज के देती है। ये खोजे करेगा यहाँ पे। कहाँ से मिलेगा? इसका कच्चा लेके बच्चे ना टेंट बना के खेलते हैं। हाँ, टेंट बना के खेलते। हाँ, आपने देखा है? है ये देखने वाली बात? तो है ये लोगों के सामने बताने वाली बात? क्यों बोल रहे हो यार? यार, आपको पता है कि साइंटिस्ट बनने के लिए नॉलेज चाहिए होती है? अरे नॉलेज बहुत है हमारे अंदर, हम तो इतना नॉलेज है सर हमारे अंदर, आप हमें देश का पीएम बना दीजिए, हम बन जाएंगे। अच्छा, तुम पीएम बनोगे? बनेंगे। चलो कोई बात नहीं, चलो मान लो तुम्हें हमने 2 मिनट के लिए पीएम बना दिया, बताओ तुम क्या करोगे? तो फिर हम मैगी बनाएंगे। 2 मिनट में मैगी बनाने की बात यार, फिर खाने की बात। चल, 5 साल के लिए तुझे पीएम बना दिया, बता तू क्या? नहीं नहीं, इतना सारा मैगी कौन खाएगा? नहीं नहीं, तू खा सकता है। नहीं यार, बहुत ज्यादा हो जाएगा यार। तुम हिले हुए हो? नहीं, नॉलेज की बात हो रही है, तुम मैगी की बात कर रहे हो। हाँ, तो और कुछ पूछ लो यार। बताओ फिर, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी कब पैदा हुए? पैदा हुए वो रात को पैदा हुए। अबे डे कौन सा था? हाँ, डे ड्राई डे था। अबे सन कौन सा था? अरे सन नहीं था, तभी तो रात थी, बुड़बक आदमी। अरे यार कैसा है यार? यार कृष्ण खा खा के इसको सब भूल जाता है। तो तू ज्योग्राफी का पूछ इसको, ज्योग्राफी का। आज का ये बताओ, गंगा कहाँ बहती है? गंगा नदी अपना जमीन पे बहती है। अबे नक्शे में कहाँ बहती है? नक्शे पे नहीं बहती, नक्शे पे बहेगी तो नक्शा भीग जाएगा। क्या यार इसका कुछ कर रहे? अंग्रेजी आती है? अंग्रेजी आती है, ज्यादा देर रहती नहीं है, चली जाती है। क्यों? घर में क्रॉस वेंटिलेशन है ना, तो यहाँ से आती है, वहां से निकल जाती है। अरे यार, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश रात को शो के बाद यार। नॉट नाउ। अबे ऐसे कैसे तेरे से शादी करेंगे? उनको हाईटेक बंदा हा? चाहिए। हाँ, लैपटॉप चलाना आता है? नहीं, हम पीछे बैठ जाते हैं, चलाता कोई और है। चलाने से घबराहट होती है हमको। अबे लैपटॉप ऐसे ऐसे चलाते हैं जो? नहीं नहीं, ये लोगों की बातों में उंगली करने वाली आदत हमें नहीं है। अबे ईमेल की बात कर रहे हैं? अरे आप ईमेल की बात क्यों कर रहे हैं जब हम फीमेल की बात कर रहे हैं? तो फोकस यार, फोकस वो सेंटर में करेगा फोकस? उन्होंने तेरा जीमेल बना देना। समझा? उनका एक्शन देखा है ना? चलो निकलो। अरे तूने 1 मिनट उनका प्रोमो देखा है? वो जो फाइटर को मारा ऐसे ट्रेन का कांच तोड़ के ऐसे निकला है वो। तू भी साइकिल की चेन तोड़ के गिरेगा। ठीक है, आई वोंट ड्रैग इट टू मच, लेकिन अब आए हैं तो थोड़ा प्रपोज तो करके जाएंगे। अच्छा, तुम प्रपोज करो? प्रपोज करेगा? प्रपोज करेंगे। एक शर्त है। करने दो। एक शर्त है। एक शर्त क्या? घुटने पे बैठ के प्रपोज कर। करो। बैठ तो जाएंगे, फिर हमें उठाएगा कौन? दो ही चीजें उठा सकती हैं तुम्हें। एक क्रेन, दूसरा ऊपर वाला। तो फिर क्रेन मंगाओ, वो 2 दिन बाद आएगी। अरे ऐसे कैसे यार? ऐसे कैसे क्या यार? एक मिनट, अगर ये हिम्मत कर रहा है प्रपोज करने की ये बंदा, तो मेरा तो बनता है। आई कैन। नहीं, आप कर सकते हैं प्रपोज, लेकिन हाँ, आपके लिए भी एक शर्त है। क्या? अंग्रेजी में करो। करो। ये तो फिर ना कराने वाली बात हुई। हाँ, तो हमारे लिए कौन सी हाँ कराने वाली बात कर रहे थे आप? देखो, तुम लोगों का कुछ नहीं होगा बाबा, मैं हूँ, है ना? मैं घुटने पे बैठ भी सकता हूँ, खड़ा भी हो सकता हूँ, इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, हैंडसम भी हूँ। हाँ, तो एक, मैं, एक, मैं... एक एक शर्त तेरे लिए भी है। क्या? जो करना कर, साथ में कश्मीरा खड़ी होगी। चल भाई, चल। चलिए, इसके बस का नहीं यार। चल चल। I'm sorry यार, ये next time, okay? I will see you soon. मिलते हैं। तालियां बज सकती हैं ऐसा? अरे क्या बात है, गिव इट इवेंट, जोरदार तालियां होनी चाहिए यार, कमाल। पांडे साहब आप आओ ना। अरे कमाल है यार, अरे जोरदार ताली होनी चाहिए, तालियां होनी चाहिए कीकू शारदा के लिए और कृष्णा अभिषेक के लिए एंड राजीव ठाकुर के लिए। कमाल है यार, थैंक यू वेरी मच। कमाल है। देखो परफॉर्मेंस देख के उर्वशी ने पानी पीना शुरू कर दिया। अच्छे अच्छे को हम इतने हॉट हैं? ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस हॉट था यार,